बीजेपी से दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद गोरखपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 के मनोनीत पार्षद धर्मदेव सिंह चौहान ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए दारा सिंह चौहान के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिन जाति का लाभ लेकर ये आगे बढ़े हैं, ऐसे में इनकी पूरी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, जो परिवार के सगे नहीं हुए और किसी के क्या होंगे, और ऐसे नेता को हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज नहीं मोहम्मद गौरी के अनुयायियों के आगे झुकने वाले नेता समझते हैं। और ऐसे लोग जब तक सरकार 5 साल थी तब तक अवैध खनन में संलिप्त रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद भी यह अपनी जेब भरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल ऐसे लोगों को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से जनता परेशान है और जनता ही इनको सबक सिखाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड संख्या 10 के मनोनीत पार्षद धर्मदेव चौहान ने कहा। धर्मदेव चौहान, पार्षद में हूँ राजेंद्र पश्चिमी का। मैं करना चाहता हूँ कि दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर जाने का कारण मैं बताना चाहता हूँ। पूरे पाँच साल भारतीय जनता पार्टी में रह करके जात के लोगों के नाम पर सत्ता सुख का उपयोग किया है और लोगों को अपने भाइयों भतीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। केवल जात के नाम पर जो इन्होंने लूट खसोट किया है, वो मैं अपने प्रेस मीडिया को बताना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे जात का जो अवहेलना किया है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने का जो काम किया है, हमारा चौहान समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने एक हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने अपनी जुबान पे अपनी सर कटाने के लिए तैयार थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी के अनुयायियों के सामने जाके झुकने का काम किया है। हमारा समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारा समाज पूरा समाज हमारा इनको तिरस्कार करने के लिए बाध्य है। और तो और, ये जानते हैं कि हमारे समाज में आकर के जो मलाई खाए हैं, अब हमारा समाज इनको ऐसा काम करने के लिए बाध्य है। और तो और, इन्होंने भागने का काम इसलिए किया कि जो नदियां जंगलों से निकलती थी, जो बालू रेत निकलता था, इन्होंने चोरी चोरी से अपने ठेकेदारों को काम दिलाने का ठेका काम किया था। जब परम पूज्य महाराज जी को पता चला कि हमारे देश की संपत्ति, हमारे राज की संपत्ति हमारे इन नेताओं ने चोरी से बेचने का काम करेंगे, तब उन्होंने इनको फटकार लगाया। तब ये जाने कि अब ये काम नहीं कर पाएंगे और हम जा करके लूट खसोटों के साथ जा करके मिलने का काम किया है मित्रों। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब चौहान समाज इनको जान चुका है, इनको पहचान चुका है। पूरा मेरा समाज अब इनके साथ जुड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने शुरू से हम लोगों को छलने का काम किया है। हम लोग ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम सबका उद्धार होगा, हमारे अगुवा बनेंगे, हमारे नेता बनेंगे, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि अब हमारे नेता ये नहीं रहे। हमारा पूरा समाज, चौहान मुझे फ़ोन करके बात किया है, उन सब लोगों ने कहा कि हम लोग इनका तिरस्कार करेंगे, इनका साथ हम नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इन्हीं शब्दों से मैं बोलना चाहता हूँ, जय माता दी। दारा सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जात का जिसलिए हम आए तो मौका नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लाभ देगी कि समाजवादी देगी? आप लोगों ने देखा होगा कि जितने सीटें निकलती थीं, भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए और समाजवादी पार्टी का ले लीजिए, जो सीटें हैं, अगर 50 सीट है ओबीसी की तो 500 सीट ओबीसी का इन्होंने खा गया। और भारतीय जनता पार्टी पूरे ओबीसी समाज को सब जातियों को आकलन से उनका दिया है लाभ। और इन्होंने जो गए हैं, हमारा वहाँ भला नहीं हो सकता है, ये हमारी पूरी समाज चौहान बिरादरी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में ही मुझे सम्मान मिलेगा और समाजवादी पार्टी में मुझे तिरस्कार मिलेगा। इन्होंने जो किया है उसका सजा इनको मिलेगा। और अपने क्षेत्रों से ये नदारद रहते थे, वहाँ पर लोगों ने लगाया था कि हमारे यहाँ का विधायक गायब है। जब ये जान गए कि मैं वहाँ से हार रहा हूँ, तब वहाँ से ये भागने का काम किए हैं और बालू खनन बेचने का काम किए। तब महाराज जी को पता चला, तब ये जा करके भागे हैं और महाराज जी ने इनको सुध लिया है कि अपनी देश की संपत्ति बचाने का काम किया है। ऐसे प्रभु महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे क्षणिक सुख वालों को भगाने में ही भलाई है, क्योंकि ये समाज के लिए घातक हैं, ये पूरे देश के लिए घातक हैं। बालू खनन में अगर संलिप्त है तो आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब हमारी सरकार को पता चला तो एक्शन लिया, जब एक्शन लिया तो ये वहाँ से भाग गए। और उस समय सरकार की आचार संहिता लगने का वो आ गया, जैसे पता चला महाराज जी ने एक्शन लिया, इन्होंने भागने का काम किया। चुनाव के पहले पता चलता तो अभी तक इनका क्या दशा होता, ये तो पूरी प्रशासन बताती है। प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे समाज के एक नेता थे दारा सिंह चौहान, हमारा पूरा समाज
उनके साथ समर्थन देके उनको जिताने का काम करता था, उनको आगे बढ़ाने का काम करता था। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दारा सिंह चौहान भागने का काम किया है, तो हमारे समाज में बहुत ही रोष है, हम लोगों में बहुत चर्चा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई दारा सिंह चौहान ने भागा। तो हम लोगों से अज्ञात सूत्रों से पता किया तो पता ये चला कि जहाँ से ये खड़े होते हैं चुनाव के लिए, वहाँ की जनता ने इनको नाकारा साबित कर दिया है। वहाँ की जनता ने बोर्ड लगा करके इनको बताया कि मेरा विधायक गायब है और इन्होंने जात का जो लाभ लेकर के आगे बढ़ा है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जात को आगे खड़ा करके इन्होंने जो गलत तरीके से पैसा कमाने का काम किया, इनकी जांच हो ताकि समाज को ऐसे लोग समाज में आकर के समाज को धोखा देने का काम न करें। और जब हमारे परम पूज्य महाराज जी को ये पता चला कि जिन जंगलों से नदियाँ बहती हैं, इन्होंने अपने बालू माफियाओं को साथ मिल करके बालू बेचने का काम करने का प्रयास किया, तब महाराज जी ने इनसे बात सवाल जवाब किया। इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि ये चाहते थे कि देश की संपत्ति लूटें और आगे बढ़ें, लेकिन महाराज जी कहे कि नहीं, हमारे देश की संपत्ति मैं रखवार हूँ, मैं एक अभी अपने संपत्ति के लिए ऐसा आदेश नहीं कर सकता हूँ कि आप चोरी करो, डाका डालो, पार्टी में रहो या जाओ, लेकिन हम ऐसी कोई निर्णय नहीं लेंगे जो हमारे समाज और हमारे देश के लिए कोई अहित हो।